गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में बुधवार को 420 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। मरने वालों में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग और एक 45 वर्षीय अधेड़ महिला सहित लखनऊ में 64 वर्षीय एक महिला शामिल है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,961 हो गई है। इनमें से 8,704 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 3,106 कोरोना मरीज एक्टिव है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो 279 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को सबसे अधिक 73 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 70, कोतवाली में 22, कैंट में 70, तिवारीपुर में 2, रामगढ़ताल में 22, गुलेरिया में 5, चिलुआताल में 4, राजघाट में 11 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 115 नए मरीज मिले हैं। इसमें ब्रह्मपुर में 1, भठा 4, चरगांवा 26, गगहा में 2, खोराबार 14, पाली 2, पिपराइच 12, पिपरौली 3, सहजनवा 18, सरदारनगर में 4 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 26 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।